लातेहार केंद्र की भाजपा सरकार देश में महंगाई से एक ओर जहां आम लोगों को जीना हराम कर दिया है, वहीं मोदी सरकार संविधान का इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। भाजपा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। उक्त बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लातेहार में जन जागरण अभियान के तहत पदयात्रा के पश्चात थाना चौक में नुक्कड़ सभा में कही। श्री ठाकुर ने कहा, भाजपा की आजादी में कोई योगदान नहीं था, इसलिए भाजपा संविधान इतिहास में छेड़छाड़ कर रही है, कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की ने कहा, भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई बढ़ाई है। भाजपा देश में अराजकता फैलाना चाहती है, वहीं भाजपाइयों को आजादी के बारे में पता भी नहीं। श्री तिर्की ने कहा, झूठे व ठगों की सरकार बताते हुए मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। पार्टी का कोई योगदान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए कि उनको पता है कि जो भी इस देश में स्वतंत्रता सेनानी है वो पहले कांग्रेसी है, बाद में स्वतंत्रता सेनानी। इसलिए न स्वतंत्रता सेनानी को न उनके परिजनों को कांग्रेस पार्टी के लोगों के अलावा कोई भी इतना तवज्जो देता है। हम समझते हैं इस अभियान के साथ साथ भुवनेश्वर जी इस बात का ख्याल रखिएगा, जिस भी गांव में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका परिवार रहता है, कोशिश कीजिएगा चिन्हित करके उनको सम्मान देने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान नहीं दे सकती। आप जानते हैं महंगाई चरम पर है, आप जानते हैं देश खतरे के दौर से गुजर रहा है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान हिंदू को शक की निगाह से देखता है, हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, सिख ईसाई को शक की निगाह से देखता है, अगला पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा दलित को शक की निगाह से देखता है, इसलिए देखता है। प्रधानमंत्री ने जो 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, जो ये कहते हैं उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है, जहर फैलाने का काम किया है, और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से बार बार कहते हैं, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने के साथ लेकर चलो। लेकिन ये प्रधानमंत्री अहंकारी है, तानाशाह है। उस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने इतना कुछ दिया है, इतना लोकतंत्र को मजबूत किया, इतना जमहूरियत को मजबूत किया, ये चाय वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री हो गया। 70 साल में हम लोगों ने इतना कुछ दिया है, क्या देश का प्रधानमंत्री उसी को बेच के देश चलाने की काम कर रहे हैं? तो इन सब बातों को आपको बताना है अपने अपने जगहों में, और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि चाहे ये कितना भी जहर फैलाते रहे, हम सद्भाव फैलाते रहेंगे। हमको जिनका जिसको जो अधिकार नहीं मिला है, अगर वो भी किसी को उसका अधिकार नहीं मिला है, वो भी किसी को आरक्षण 27% दिलाने का काम हम सरकार से लगातार कह रहे हैं, और हम समझते हैं हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से आश्वस्त किया है बहुत जल्द ओबीसी का आरक्षण भी मिल जाएगा, तो जो अधूरा काम है कांग्रेस का वो अपने शासनकाल में पूरा करने का काम करेंगे। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ चुकी आगे जाना है। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।